शुरू करें? यस सर। क्वेश्चन ए इनवर्स मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताना है। Answer is the answer a by x cube plus b by x square plus c by x plus d is equal to 0. Correct है, but इसको अपन को बस polynomial equation में convert करना है. Okay sir. So, yeah. Dx cube plus cx square plus bx plus a equal to 0. ठीक है, और ये yes, अपन ये example के यहीं से आ जाएगा कि अगर a a इस equation को satisfy कर रहा है, इस equation को, तो हम जब पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कि i माइनस 4 ए इनवर्स प्लस 7 ए इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए इनवर्स अब इसके जो जस्ट रिवर्स इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो अभी हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर गिवन इक्वेशन का आइगन वैल्यूज अल्फा बीटा गामा है तो a इनवर्स का 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा हो जाएगा। यस सर। इफ आइगन वैल्यूज ऑफ a आर अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन देन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 1 2 3 4 5 7 2 3 और कोई नंबर अल्फा है। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एंड एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज सेटिस्फाइड बाय मैट्रिक्स ए देन फाइंड अल्फा एंड गामा।
तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू ट्रेसेस ऑफ ए होता है. यस सर. गिवन इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स. हां क्या है अल्फा? 2 आ रहा है. यस सर. और गामा कैसे फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट. इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? प्लस गामा या माइनस गामा? माइनस गामा. माइनस गामा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए. और अल्फा को 2 पुट करके वैल्यू क्या आ रहा है? 5 × 2 = 7 × 3 − 11 = 14. कितना आ रहा है? आई गॉट -7. ओके. गामा का वैल्यू -7 ना? यस सर. अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का होगा उतने ही डिग्री का उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, यानी कि उतने ही आइगन वैल्यूज आएंगी. ठीक है. यस सर. डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0. A का डिटरमिनेंट नॉन जीरो गिवन है. देन शो दैट ट्रेसेस ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू ट्रेसेस ऑफ A इनवर्स. ट्रेसेस ऑफ ए और ट्रेसेस ऑफ ए इनवर्स में ये रिलेशन होगा. एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ने बोला कि ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 है. यस सर. दैट मींस तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आइडिया तो है ही थोड़ा बहुत. आई आयोटा का स्क्वायर इज -1. यस सर. तो वी कैन से दैट दिस मींस ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आई. Is equal to 0. Yes, that sir. means a इसके factors बनाएंगे तो a plus iota i into a minus iota i is equal to 0. that means determinant of a into b 0 है तो determinant of a 0 और determinant of b 0 ऐसे हो जाता है. Yes, अब sir. जो हमने अभी discuss किया वो ये था कि determinant of a minus x i equal to 0 में जो इक्वेशन बनेगी वो मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. तो उस इक्वेशन का जो रूट है वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा. तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है कि आयोटा और माइनस आयोटा ये मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज हो गई. यस सर. आयोटा एंड माइनस आयोटा आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए. बट ए तो डिग्री 4 का है तो इसके तो 4 आइगन वैल्यूज होंगी. ए जो है वो मैट्रिक्स ऑर्डर 4 का है तो इसकी 4 आइगन वैल्यूज होंगी. तो अपन ने मान लिया कि रिमेनिंग 2 जो है वो अपन को पता तो है नहीं. तो रिमेनिंग 2 को हमने अभी कुछ x1 और x2 मान लिया. यहां तक की बात समझ आ रही है? यस सर. ट्रेसेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा सम ऑफ रूट्स हो गया. यस सर.
ट्रेसेस ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू प्लस वन अपॉन आयोटा प्लस वन अपॉन माइनस आयोटा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल दैट इज एक्स वन एक्स टू आयोटा माइनस आयोटा एक्स वन एक्स टू। तो ये वाला एक्सप्रेशन एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन एक्स वन एक्स टू बन रहा है। That means we can say that traces of A inverse is x1 plus x2 का मतलब traces of A हो गया, और x1 into x2 का मतलब determinant of A हो गया। तो ये समझ आ गया क्या? Yes sir। और question है यही prove करने को बोला है? Yes sir। तो इस question ने कहीं भी characteristic word का use नहीं किया, but still हमने जो सॉल्व किया है वो उसी से सॉल्व किया है, और इसने कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज किया है। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन भी है, बट देखो अभी पूरे स्टेप्स क्लियर है। यस सर। किसका फाइन करो? फाइंड किया क्या? वन सेकंड सर। चलिए, तो वैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू जीरो करना है। अच्छा, मतलब ये वाला एक्स वाला सेम ना हो जाए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो कर दूं मैं, लैम्डा वेरिएबल में आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है ना? Yes, तो ये बन जाएगा ए माइनस लैम्डा एक्स वाई जेड, बी माइनस लैम्डा सी माइनस लैम्डा जीरो जीरो जीरो। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू तो बड़ा ही सिंपल है, a माइनस a माइनस अल्फा b माइनस अल्फा एंड c माइनस अल्फा। तो ये इसका इक्वेशन आ गया। अब पॉइंट ये था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ही उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगे ऑलवेज। तो इसमें जो आइगन वैल्यूज हैं वो a b c आ रही है। यस सर। और अगर हम अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, ठीक है? Yes, क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड और जीरो हो जाएगा, और हम कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो तो भी आंसर सेम ही आएगा, ए बी एंड सी। अब इसमें अपने बुकलेट में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स करके भी गिवन है,
ऑल्दो वो जेई ने पूछा नहीं है, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा अपन आइडिया ले ही लेते हैं कि जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 1 3 4 -1 0 1 2, तो अगर हमने इसमें कोई भी एक ऑपरेशन लगाया R1 + 3R2 ऐसे करके, तो हमें कुछ एक अलग मैट्रिक्स मिल जाएगा। यस सर। और अभी क्या मिल रहा है R1 + 3R2 से 14 यहाँ पे आ जाएगा, -3 + 1 -2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से अप्लाई करें कि ये या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, तो अगर हमने कोई एग्जांपल पर अपन कोई भी ले लें, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर समझ आता है? यस सर। इस वाले केस में अगर हम इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना चाह रहे हैं तो फिर हमें क्या करना होगा कि इन एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करना होगा। यस सर। तो उसके लिए बता सकते हो ऑपरेशन क्या लगाएं? R2 - 2R1 किया तो ये वाला जो 4 है वो 0 बन जाएगा। यस सर। तो ये बन गया 2 1 3 0 और ये नंबर आ जाएगा -1 -2 -3 और 0 माइनस ऐसे। ठीक है, अब इस वाले 1 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमने R3 - ½R1 किया तो ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज। R3 - ½R1 यानी कि 2 - ½ यानी कि 3/2 और 3 - 3/2 ये भी 3/2 आ गया। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है तो अब हम R3 को, अब हम इसको जीरो बनाने के लिए R1 का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर R1 का यूज करेंगे तो फिर ये नॉन जीरो बन जाएगा। So, R3 + ½R2 और ये कितना बन गया 3/2 यानी कि -3/2। ठीक है, तो अब हम इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और ये वाला जो फॉर्म है दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्लॉन फॉर्म। हमने इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होता है कि डिपेंड करता है डेटा पे, अभी जो हमने सॉल्व किया है उसमें ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो रहा है। कई बार इन ऑपरेशंस को लगाने के बाद, मतलब अगर ये अभी एलिमेंट नॉन जीरो है तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 है। अभी इसमें एग्जैक्टली 3 रोज और कॉलम्स ऐसे हैं जिनका एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन जीरो है। लेकिन अगर कोई दूसरे क्वेश्चन में ये भी जीरो बन जाता, यानी कि ऐसा कुछ आ जाता, ऑपरेशन तो अपन ने ओनली इन एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए ही लगाए थे, लेकिन इन्हीं ऑपरेशन के थ्रू अगर ये नंबर भी जीरो बन रहा है तो फिर अपन बोलेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ऐसे बन जाता। तो इस टाइप से अगर कन्वर्ट हो गया तो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है। तो रैंक कैसे डिसाइड किया वो समझ आ रहा है? यस सर। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द डायगोनल। नहीं, इन द डायगोनल नहीं, अगर मान लो यहां पे भी जीरो बन जाता तो रैंक वुड बी 1 नहीं 2 ही होता, बिकॉज ये वाली दोनों रो में हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ रोज। यस सर। ठीक है, ये तो एक बेसिक अप्रोच हो गया। अब
रैंक का बेसिक डेफिनेशन क्या है उससे पहले हम बात कर लेते हैं सब मैट्रिक्स की। माइनर वर्ड समझ आता है डिटरमिनेंट के लिए? माइनर होता है कि कोई भी एक रो, कोई भी एक एलिमेंट का माइनर, यस सर, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो। तो ऐसे सब मैट्रिक्स है, अगर हम ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसकी कई सारी सब मैट्रिसेस जैसे कि A11, A12, A21, A22, ये एक सब मैट्रिक्स है, या फिर A22, A23, A32, A33, ये सब मैट्रिक्स है। तो समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को अगर गिवन मैट्रिक्स n ऑर्डर का है तो n इनफैक्ट ये भी एक सब मैट्रिक्स है, तो n से लेस ऑर्डर के जितने भी केसेस बन सकते हैं वो सारी सब मैट्रिसेस हैं। अब रैंक का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? और नंबर k इज सेट टू बी रैंक of a m cross n matrix capital A if every square submatrix of order k plus 1 or more is singular. In this case, देखो अगर हम ये वाला सब मैट्रिक्स लें तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ रहा है। Yes, sir. ये वाला सब मैट्रिक्स लें तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ रहा है, नहीं नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो। Yes, sir. इस वाले का नॉन जीरो आ रहा है। Yes, sir. तो ऑर्डर टू वाली सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू एटलीस्ट वन ऑफ देम का नॉन जीरो है, और ये बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के प्लस वन और मोर इज सिंगुलर। तो यहाँ पे अगर हमने रैंक को थ्री बोला है तो यहाँ चलो यहाँ तो थ्री प्लस वन से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले केस में बात करें तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो है, yes, sir. ठीक है ना? और सेकंड ऑर्डर की सब मैट्रिसेस ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर ऐसा है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तो फिर इसका इसका रैंक जो है वो टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर रैंक को हमें के बोलना है तो k से बड़ा नंबर k प्लस वन और मोर ऑर्डर का जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होना चाहिए, एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k which is non-singular. ये तो मैं पहले लिख ली। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फिर K जो है उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा और क्लियर करूं, तो मैट्रिक्स A गिवन है 1 2 3 4 5 6 3, 4, 5. जब तुम इसका मैथ, इसका क्वेश्चन यही है कि फाइंड रैंक, तो मेथड वन अगर हम इस रैंक की इस डेफिनेशन से जा रहे हैं तो हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तुम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे तो वो थर्ड ऑर्डर का जीरो आ जाएगा। फिर इसके बाद हम 1 2 4 5 इसका जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटरमिनेंट देखो अभी 5 - 8 यानी कि नॉन जीरो आ रहा है। तो हमें सेकंड ऑर्डर का सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका रैंक जो है वो है 2।
अभी तो चांस की बात है कि इसी का ही डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आ गया, मान लो इसका जीरो आ जाता तो हम दूसरा वाला सब मैट्रिक्स फाइंड करते, इसका जीरो आ जाता तो जितने भी पॉसिबल सब मैट्रिक्स हैं सबका फाइंड करते जब तक कि या तो नॉन जीरो ना आ जाए या फिर सारे सब मैट्रिक्स खत्म ना हो जाए। बात समझ आ गई? यस सर। अब मान लो ऑल सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ जाता तो फिर अपन वन ऑर्डर के सब मैट्रिक्स को चेक करते, ठीक है? तो अभी तो यहाँ पे इसका रैंक टू समझ आ गया, लेकिन कई बार ये मेथड लेंथी भी हो सकता है बिकॉज हम सबका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं और मान लो वो जीरो आता जा रहा है तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका ऑल्टरनेट मेथड जो अपन ने भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हम इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से सिंप्लीफाई करेंगे, तो अभी हमने कहा कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें बताओ एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाना शुरू करें। आप क्या बताया था अभी? अच्छा, वी कैन से आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस फोर आर वन। तो ये वन टू थ्री, ये जीरो, थ्री फोर फाइव, फाइव माइनस फोर वन हो जाएगा, सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है? फिर R3 is equal to R3 minus 3R1। ये नंबर तो जीरो बन गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू और थ्री माइनस सिक्स, यहाँ पे आ जाएगा 3R1 का मतलब फोर। सही लिखा है क्या? माइनस फोर, माइनस फोर। इसके बाद R3 is equal to R3 plus 2R1, 2R2. Give me the data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Iska determinant value find karna ek bar. तो ये नंबर वन, ये नंबर माइनस प्लस फोर, नहीं माइनस फोर प्लस थ्री जीरो, ठीक है? अभी हमने आर टू को आर टू माइनस फोर आर वन लिखा, तो ये नंबर जीरो। कैलकुलेशन सही है सारी? अच्छा, द मिडिल वन वुड बी माइनस थ्री, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला? यस सर, माइनस थ्री, फाइव माइनस 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 थ्री। हाँ भाई, मैं भी आंसर क्यों रहा हूँ। तो दिस वन इज नाउ माइनस थ्री, तो अभी ऑपरेशन क्या लगेगा? फिर आर थ्री को आर थ्री माइनस टू बाई थ्री टाइम्स आर, थ्री बाई टू टाइम्स आर, नहीं टू बाई थ्री, करेक्ट ही बोल रहे हो, टू बाई थ्री टाइम्स ना? यस सर। तो नाउ दिस इज वन टू थ्री, दिस इज जीरो माइनस थ्री माइनस सिक्स, और ये हमने इसको जीरो बनाया था और ये खुद से जीरो बन रहा है। यस सर। तो अभी इसका रैंक, अब हम अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो नॉन जीरो आ रहा है। यस सर। तो इसका रैंक टू समझ आ गया। यस सर। तो या तो हम सब मैट्रिसेस का सबका डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करते जाएं या फिर इस तरह से सॉल्व कर लें, ठीक है? यस सर। ये है रैंक फाइंड करने का मेथड। ऑल्दो मतलब मैं तो बोलूंगा कि जे के लिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अपने बुकलेट में है और टेस्ट जो तुम्हारा होगा TWT वगैरह उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन जे वाले नहीं पूछेंगे। तो जब जे का तुम रिवीजन कर रहे हो तो रैंक वाले पोर्शन को स्किप कर सकते हो। यस सर। पहले अपन ने आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ
डिटरमिनेंट, हमने होमोजेनियस इक्वेशन आई थिंक डिस्कस नहीं किया था, मैं एक बार बता देता हूँ उस चीज को. एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हमने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक तो अपन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट से, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तब डिटरमिनेंट जीरो करते हैं, ठीक है. लाइन की कॉन्करेंसी के लिए डिटरमिनेंट जीरो करते हैं. तो इफ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो. अभी इंपॉर्टेंट है कि मैंने थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल लिखा है, तो ये तीनों अभी लाइन की इक्वेशंस हैं. इफ दीज लाइंस आर कॉन्करेंट दैट मींस दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, हैज यूनिक सॉल्यूशन. अब यहाँ पे यूनिक वर्ड समझ आ रहा है? Yes, sir. Only one point satisfies all three. Then a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा. Yes, sir. सेकेंड पॉइंट अब ऐसे है, अभी थ्री इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स. इफ दिस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये थ्री वेरिएबल का सिस्टम है, तो इसमें ए वन बी वन सी वन एंड सो वन कुछ भी हो जाए, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा. समझ आ रही क्या? Yes, sir. इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम. तो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, तो और जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. अब या तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये खुद ही बोल दे कि दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या फिर स्टेटमेंट बोल देता है कि इफ दिस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. यस सर. कैसे? देखो कोई भी सिस्टम का मतलब ये थ्री इक्वेशंस थ्री प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है. थ्री प्लेन्स थ्री डी में कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? या तो वो एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जो लाइन जो अपने रूम की थ्री वॉल्स हैं, या फिर वो तीनों में ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे कि कोई भी पॉइंट कॉमन ही नहीं आएगा, या फिर वो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे. तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस आ जाएं या एग्जैक्टली फाइव सॉल्यूशंस आ जाएं. या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, या एग्जैक्टली जीरो सॉल्यूशंस आएंगे, या एग्जैक्टली इनफिनिट सॉल्यूशंस आएंगे. यहां तक की बात समझ आ रही है? यस सर. नाउ स्टेटमेंट सेइंग दैट कि दिस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड वी ऑलरेडी नो दैट दिस सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो 0.0 इट हैज मोर, इट हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, सो इट मस्ट बी इनफिनिट सॉल्यूशन. तो होमोजेनियस इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ 0.0.0 तो उसका एक सॉल्यूशन है ही है. यस सर. तो होमोजेनियस सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है नहीं, यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन मना कर रहा है, दैट मींस वन एंड ओनली ऑप्शन इज इनफिनिट सॉल्यूशन. और इस सिचुएशन में मैथमेटिकल कंडीशन क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम. यस सर. दोनों स्टेटमेंट की बातें देखो बिल्कुल ही अलग अलग बातें हैं, दोनों में ही हमने डिटरमिनेंट जीरो किया है, लेकिन दोनों का रीजन कंप्लीटली डिफरेंट है. हमने फर्स्ट पार्ट के लिए तो क्रेमर रूल का यूज ही नहीं किया, डिटरमिनेंट का जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी बात की है,
और सेकंड पार्ट में हम क्रेमर्स रूल का यूज कर रहे हैं कि सिस्टम का एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब इनफिनिट सॉल्यूशन हो गया, दैट मींस जो कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट है वो जीरो होगा और नो सॉल्यूशन इस सिचुएशन में कभी हो ही नहीं सकता जब भी सिस्टम होमोजेनियस इक्वेशंस का सिस्टम है। ठीक है, यस सर। इसमें बस कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ भी थ्री इक्वेशंस हैं, यहाँ भी थ्री इक्वेशंस हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम यूनिक या इनफिनिट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना थ्योरेटिकली तो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट है तुम्हारा बुकलेट का। तुमने हाइपरबोला में कहाँ तक सॉल्व किया हुआ है? अच्छा, एक्सरसाइज 1 फुल्ली, लाइक एनीवन। ओके, अब इसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में देखो, बुकलेट तुम्हारे पास वो तुम्हें मिल गई है इसकी? यस सर। हाँ, तो ये सॉल्व कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस सर। अभी कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर, मतलब ये जो मैंने लास्ट में बताया इसमें ऐसे क्वेश्चन है कि मान लो जो इक्वेशंस गिवन है उसमें कहीं भी और सब जगह नंबर्स हैं और यहाँ पे कुछ के लिख देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच दिस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो डिटरमिनेंट जीरो करना है इस तरह से। यस सर। चलो फिर एक बार इसका होमवर्क करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। यस सर। ठीक, अभी मैं फिर लिंक एंड करता हूँ। बाय बाय सर, थैंक यू सर।